हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो आज का वीडियो मैं कपड़ा फोल्ड करने से कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कपड़ा सारा रखा हुआ था समेटने के लिए, और बाबू का रूम भी बहुत दिन से समेटने के लिए रखा हुआ छोड़ी हुई थी मैं। तो आज थोड़ा सा गर्मी कम लग रही थी, इसलिए मैं सोची कि सारा आज थोड़ा सा सफाई करूँ, थोड़ा सा, क्योंकि एकदम उस तरफ इतनी गर्मी लगती है कि बाहर नहीं, इस रूम से, बेडरूम से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन और जैसे कि जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना था दुकान खोलने के लिए, इसलिए मैं आजकल लेट से ही मैं सो के उठती हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल बंद है, इसी की वजह से मैं लेट से सो के उठती हूँ, तो लेट हो जाता है। उधर मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है। और मैं कपड़ा भी समेट रही थी, सब काम मैं जल्दी जल्दी 10 बजे के पहले मुझे करना, और लेकिन आप लोग तरफ वेदर कैसा है ज़रूर बताइएगा। हम लोग तरफ वेदर बहुत, आज कुछ ठीक है, आज उतनी गर्मी नहीं थी और दिन से, आज कुछ ठीक थी। तो कपड़ा भी मैं नहीं धो रही थी, ये सब 3-4 दिन का कपड़ा ऐसी मैं सोफ़ा पर ला के रख देती, हिम्मत नहीं होती है एकदम फोल्ड करने के लिए, समेटने के लिए, क्योंकि सब कपड़ा जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ रखना पड़ता है। हस्बैंड का कपड़ा उनका जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ रखना पड़ता है, बेटी का अलग, मेरा अलग, इसी वजह से मैं कपड़ा सब छोड़ दी थी। सिर्फ किसी तरह ब्रेकफास्ट बनता है, और थोड़ा मोड़ा मैं रूम ऊपर क्लीन करती हूँ। इतनी गर्मी लगती है, इस बार जैसी गर्मी मुझे तो याद ही नहीं कि कभी हुई थी। और तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आज सिर्फ क्लीनिंग वीडियो है, और बहुत दिन के बाद मैं बाबू का रूम समेटी हूँ, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाबू के रूम में हस्बैंड अपना काम कर रहे थे ऑफिस का, इसलिए मैं जितना हुआ उतना ही की हूँ, ज़्यादा मैं नहीं की हूँ। तो आप लोग तरफ वेदर कैसा है ज़रूर बताइएगा। हम लोग तरफ तो मैं बताई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो
को देखिए कहाँ घर कैसे फैला के रखे, काम कर रहे अपने ऑफिस का। मैं घर साफ करती फिरती हूँ और ये गंदा करते फिरते हैं। तो मैं बहुत प्यास लगी, मैं बहुत प्यास पानी लेके बैठी हूँ पीने के लिए। और हस्बैंड देखिए मेरे, इनको तो टाइम ही नहीं है, नो टाइम फॉर फैमिली। ऐसी कोनो बात नहीं थी, ऐसी ही बात है, नो टाइम फॉर फैमिली। कल तक इनका नाटक था, सुबह जो गए शाम में आए और रात में जल्दी सो गए, 7 बजे सो गए, 8 बजे तक सो गए थे। बात करने का मौके नहीं देते। गाना है ना, लड़का गाता लेकिन हम गाते, जब से हुई है शादी आंसू बहा रही हूँ, आफत गले पड़ा है इसको निभा रही हूँ, पहले थी घर की मालकिन अब बन गई नौकर। पहले पूरा टाइम तो नहीं देते थे लेकिन फिर भी टाइम निकाल लेते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं टाइम निकालते। तो यहाँ ब्रेकफास्ट मेरी मम्मी आई हुई है तो वो ब्रेकफास्ट कर रही हैं और मैं इधर बेड भी समेट रही हूँ, कम्बल उम्बल सब फोल्ड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बेड क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मैं बेडशीट सीट नहीं बदल रही, सिर्फ कम्बल और ऊपर ऊपर थोड़ा सा मैं झाड़ दी हूँ। और इधर मेरी मम्मी नाश्ता कर रही हैं और आज मैं बनाई थी आलू गोभी की सब्जी रोटी, तो ये बनाते समय मैं नहीं दिखाई क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी, इसी की वजह से मैं बनाते समय नहीं दिखाई आपको। और आजकल मेरा वीडियो बहुत कम छोटा वीडियो रहता है, इसलिए आप लोग ये नहीं कीजिएगा ज़्यादा, मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाने के लिए। और क्लीनिंग करने के बाद मैं शावर लेने जाऊँगी, इसके बाद तो मैं नीचे आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड दुकान खोले हैं, आज लेट हो गई है, आजकल रोज़ मुझे 2 दिन से लेट हो जा रही है दुकान खोलने के लिए। अभी जस्ट मैंने शावर वर लेके नाश्ता वास्ता करके अभी मैं जस्ट दुकान पे आई हूँ और हस्बैंड मेरे ऑफिस का काम कर रहे थे, अभी वो शावर लेने के लिए गए हैं।